डाउनलोड कहां कर रही है भाई? डाउनलोड में और एक्स नहीं, ये अच्छा नहीं है। मैं मच्छर उठा रहा हूं। हेलो एवरीवन, दिस इज मी सैयद अमर खान। सो हम लोग पहले तो सबसे पहले ये बताना चाह रहे हैं कि दो दिन बाद हम लोग के मुखड़े दिख रहे होंगे आप लोगों को, क्योंकि जरा कुछ क्या सेलिब्रेशन में बिजी थे हम। अच्छा, जरा सेलिब्रेशन बताना। वन मंथ सेलिब्रेशन। हां, बाय द वे हमारे चैनल को वन मंथ भी होगा, तो उसकी सेलिब्रेशन के लिए हम लोग ने वो दो दिन का ऑफ लिया था। और हमने बहुत माशाल्लाह से बहुत हमने एंजॉय किया, बे इंतहा एंजॉय करा अपने अपने घरों में। एंजॉय किया, और आपको एक सरप्राइज भी बहुत जल्द मिलने वाला है। पता नहीं कौन सा सरप्राइज है, मुझे भी नहीं पता ना इसको, पता नहीं इसलिए मुझे पता नहीं, इसलिए इसने डिसाइड करा और शायद यही अकेला ही देगा सरप्राइज। खैर, तो आज की जो वीडियो है वो होने वाली है, टाइटल से पता लग गया होगा एज यूजुअल, कि कोक स्टूडियो का गाना जो कि 3-4 दिन पहले आया था। उस दिन हमने अपनी आखिरी वीडियो शूट करके मैं घर पर ही आया था, तो पता लगा कि चलो भाई क्या है वो गाना आया है मोमिना मुस्तसन का बेपरवाह। बेपरवाह तो लोग सुनते हैं, कॉपीराइट आ जाएगा। इश्क बेपरवाह दे कर रहा था वफा के, हमें मिली नहीं सजा। चलिए शुरू करते हैं, फिलहाल ये गाना सुनते हैं। उसी तरह कोक स्टूडियो सीजन 14। ये गाना सुनने में आ रहा है कि तारीफ? अच्छा ना, क्या तारीफ गाना वो तारीफ सुनने में बोला बेपरवाह।
मुझसे खफा साइया ना हो ये ऐसा सीन जो डिज्नी की डिज्नी होता है ना, लगता है कि कोई बार्बी गाना गा रही है। डिज्नी में बार्बी कहाँ आ गई तो वही ना उसी तो होती है ना, लेकिन मैंने बोला मतलब जैसे बार्बी गाना गा रही है तुम दो बातें नहीं मिलाओ। इसकी जो वाइब्स मुझे ऐसी लगी जैसे होता ना गाना तेरा वो प्यार याद आएगा जो होता है ना इसी का अब दो हल्के बंदे ने बोल दिया, एक एक्सपर्ट ओपिनियन सुन लो। देखो कोक के कोई भी गाने होते हैं ना वो आपको पहली बार में समझ ही नहीं आते। हम तो पहली बार में रिएक्शन कर रहे होते हैं ना, बहुत सारे रिएक्शन चैनल होते हैं जो कि ऑलरेडी दो चार बार सुन के रिएक्शन दे रहे होते हैं, तब उनको पता हो मतलब उनको ऑलरेडी फिर पता होता है कि इस गाने का कौन सा पार्ट कितना अच्छा है। हम तो पहली बार सुन रहे होते हैं तो हमें ये समझ नहीं आता, मतलब कि हम लोग को समझ नहीं आ पाता। बट ये तुम चार बार पाँच बार सुनोगे तो समझ आने लग जाता है, फिर पसंद भी आता है गाना। और कोक के गानों की हमेशा से एक रही है खासियत के, और ये सिर्फ तुम लोग का इशू नहीं है, ये मोस्टली ऑडियंस को पहली बार में नहीं आता समझ में, कोई हज़ा तुम्हें हज़ा भी नहीं होगा। हम लोग को पीछर्ट कितना मतलब कैसा गाना वो लगा था, अब देख लो मुझे तो मेरा तो बहुत फेवरेट गाना है पीछे हटप के कन्ना यारी मेरा, इसमें ना सारे सीजन मुझे अच्छा वो लगा कन्ना यारी, लेकिन ये वाला गाने भी अच्छा था। लेकिन एक दो बार और सुनेंगे ना उस टाइप का गाना, ये बेहतरीन वो लगेगा और ये बड़ी अच्छी इसकी वाइब है इस गाने की यार, वाइब वो लगेगा। फिर खासतौर पे पता है मैं तेरा वो प्यार सॉन्ग है मुझे तो वैसे पसंद, काफी पसंद है, बहुत प्यारा लगा, तो वैसे लगा तो अच्छा लगा और सेट आउट चढ़ने के लिए। पता है वाकई में मैं अभी जब मैं जैसे ही मैंने पहले जब प्ले करी थी ना ये, तो मैंने कहा यार मेरे एक चीज़ दिमाग में, मैंने कहा यार ये लोग मतलब सेट में इन्होंने हर जितने भी गाने आए सब में कुछ ना कुछ डिफरेंट चीज थी सेट के अंदर ना, मतलब ये इसमें क्या करेंगे। पहले दिखाया कि लाइक नर्सरी टाइप का साइड दिखाया कि जहाँ पे ऐसे लग रहा है कि पौधों के बीच बैठ गया, फिर वहाँ से उठ के जो जंगल की तरफ गई है वो यार वो बड़ी खूबसूरत जगह मतलब बहुत, और मतलब वो मतलब माना कि सेट पर ही है ये कोई जंगल तो असली वो होगा नहीं, लेकिन जिस तरीके से शूट करा है ना बहुत रेयर, बहुत रियलिस्टिक है वीडियो है वो बहुत अच्छी बनी है यार, बहुत अच्छी बनी है। मतलब वीडियो वो डायरेक्टर जो आई थिंक ये भी इसका भी कमाल खान ही होगा, बिकॉज के इससे पिछले तो काफी गानों का म्यूजिक डायरेक्टर कमाल खान था यार, लेकिन उस बंदे की डायरेक्शन ना मुझे मैंने कहा यार टॉप नॉच की है। मतलब तुम हर गाने को देखोगे ना उसमें मतलब अलग ही लेवल का काम है गानों पे। मतलब कोक स्टूडियो के गाने बनने क्या होता था कि चार बंदे स्टूडियो में खड़े होकर गा रहे होते थे बस, लेकिन अब का तो भाई मतलब सेट इन्होंने ऐसा रखे ना कि मतलब इस बार सारी बाउंड्रीज तोड़ के उन्होंने अपने अकॉर्डिंग टू सेट मुझे ये वाला ज्यादा अच्छा लगा। और अगर आप सिनेमेटोग्राफी जो एक होते ना कि वीडियो किस तरह मुझे लास्ट वाला हमने सुना था उसके अंदर जो के अंदर बहुत सारे के अंदर जो सिंगल शॉट पूरा गाने का चल रहा था आउटस्टैंडिंग था। मतलब इस बार जो कैमरा वर्क और आर्ट कैमरा वर्क बहुत कोई आउटस्टैंडिंग है यार, मतलब बहुत कोई कमाल के काम कर रहे हैं। कैमरा वर्क पर तो मैं इस बार मैं कह दूं सबसे बेस्ट ये वाला है सीजन, ये बहुत अच्छा है उसके अंदर, चाहे वो टू रूम के अंदर कितना अच्छा कैमरा वर्क था, बाकी सब में जब कन्हैया यारी के अंदर जो सब में पैनल खुलते खुलते अचानक से पता सब एक घर के अंदर बैठे हैं, बड़ी खूबसूरत। और पसूड़ी का जैसा सेट था, पसूड़ी का सेट कितना खूबसूरत सा उन्होंने कलरफुल सा बनाया हुआ था, तो सेट तो इस बार पसूड़ी की वाइब ये भी बहुत डिफरेंट लगती थी, मुगल्स वाली लगती थी और ये भी बिल्कुल डिफरेंट था। मतलब कोई कहीं से ऐसा नहीं लग रहा कि यार ये उस गाने से मैच हो रहा है कोक स्टूडियो के, नहीं ये बिल्कुल ही डिफरेंट इन्होंने लेकर यार। लेकिन वही है कि जैसे जैसे गाने आगे बढ़ रहे हैं ना मैं ये सोचते थे अगले गाने में क्या करेंगे, लेकिन कुछ ना कुछ नया करीब देता है। अब वही है कि अभी हम बैठ के बात करेंगे कि अगले गाने में क्या करेंगे, अब देखेंगे अगला किसका गाना आएगा। वो बात तुमने बड़ी अच्छी बोली कि ये मुझे तो वैसे भी इसके ना मोमिना ने गाया अच्छा है गाना, वैसे भी काफी अच्छा लगता है, अच्छा तो गाना गा रही है, आई लाइक इट। तो अच्छा लेकिन इसमें थोड़ा मार खा गई किससे मार खा गई आसमान जो दिखाया है ना वो अच्छा लगा था, बहुत सारे स्टार्स थे अच्छा लगता है। पहले तो मुझे लगा कि वहाँ कराची यूनिवर्सिटी में हाँ तो ऐसी होता है झाड़ियाँ झाड़ियाँ, मैंने कहा अभी कोई सांप निकलेगा जैसे कराची यूनिवर्सिटी में निकलते हैं ना, तो नेवले होते हैं वहाँ पर सांप होते हैं, सांप निकलते हैं, सांप भी होते हैं। मेरा दोस्त है के यूबीएस के अंदर पढ़ता है, मुझसे जब
अगर वो वीडियो देख रहा है तो उसके मुझे बताओ क्या बातें कर रहे हो। सुनो ना ये वाकई सुनो, बड़ा थोड़ा बड़ा मजे का। तो उसके अंदर ना उसकी डिपार्टमेंट के अंदर सांप निकला, उसने स्ट्रीक भेजी थी कि आखिरी सांप भी पकड़ोगे। प्रॉपर बड़ा सांप था भाई, मतलब साइज में बड़ा, और वो सांप नहीं था जिसके मुंह के पास जो ताश टाइप का बना होता, मतलब उस टाइप का, अरे पता नहीं लेकिन था वो साइज, आई थिंक वही वाला था, मुझे याद है। और उसने जा दिया कहीं बॉटल वाटल में पकड़ लिया था उन्होंने। तो आज की हमारी ये वीडियो ऑफ टॉपिक बिल्कुल निकल गया। थैंक यू सो मच देखने के लिए। अगर आप चाहते हैं कि इसकी और बनाए तो इसकी और कैसे बनेगी, मतलब कोक स्टूडियो की और बनाए तो आप कमेंट करें। वैसे भी हम बनाएंगे ना, आप कमेंट ना भी करेंगे वो तो हम बनाएंगे लेकिन क्योंकि हमारे पास कुछ और बनाने को है नहीं, हम नहीं बनाएंगे क्योंकि कोक स्टूडियो से हमारा बहुत फायदा हुआ है, तो हम कोक स्टूडियो पे बनाएंगे। थैंक यू सो मच, लाइक कमेंट सब्सक्राइब। ओके भाई ख्याल रखना। ये क्या अल्लाह।